हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो अभी जो रीडिंग्स बनाने जा रही हूँ ये राशि अनुसार होगा। 1 से लेकर 15 जून तक आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी, एक एक राशि के अनुसार पोस्ट करने वाली हूँ। आपकी भी एनर्जीज़ को क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है? और यस, इस रीडिंग को आप किस बेस पे देख सकते हैं, आप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगी, तो मैं कहूँगी मून साइन के लिए आप मून साइन यानी कि नाम के अनुसार देखें तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। यदि आपको अपने डेट ऑफ बर्थ या मून साइन के अकॉर्डिंग अपने जो राशि है वो पता ही नहीं है, कन्फ्यूजन है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। डिटेल ऑलरेडी मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स ठीक वीडियो के नीचे आता है, और जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई रहती हैं। आप अपने नाम या अपने जन्म तारीख के अनुसार उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है? सो एक एक करके मैं रीडिंग आप लोगों के लिए पोस्ट करूँगी, और ये कुछ कुछ दिन में पोस्ट होगी। कोई भी रीडिंग कभी भी पोस्ट हो सकती है, तो बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ताकि जैसे ही वीडियो आपकी जो राशि के अनुसार वीडियो पोस्ट हो तो आपको तुरंत पता चल जाए, ठीक है? उसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ब्रेसलेट रिलेटेड जानकारी चाहिए या कोई अन्य जानकारी चाहिए, इंस्टाग्राम के अकाउंट के रिलेटेड या मेरे दूसरे चैनल के रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ठीक है? और पर्सनल रीडिंग की जानकारी वीडियो पे रिफ्लेक्ट होती है, नंबर रिफ्लेक्ट होता है। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती है, चार्जेस लागू होते हैं। और अगर आप बुकिंग डाल रहे हैं तो आप पहले देख लें कि बुकिंग चालू है या नहीं है। ध्यान रखना, पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लिखे रहते हैं डीपी पे भी, और आपको टीम भी इन्फॉर्म करती है अगर बुकिंग चालू रहती है तो। आपको पे पहले करना होता है, उसके बाद आपको बुकिंग मिलती है, ठीक है? उसके बाद ही आप सवाल पूछ पाते हैं, ओके? सो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ सारी जानकारी मिल गई, तो चलो शुरू करते हैं एक एक राशि अनुसार अपनी रीडिंग। सो अब जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। देखेंगे क्या एक्सपेक्टेड है June 1st से 15th उनकी लव लाइफ में। वर्गो राशि वालों के लिए बताएं 1st to 15th उनकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। टेम्परेंस, फोर ऑफ पेंटिकल्स, आई डोंट नो अंदर इतनी क्लियर आवाज़ कैसे आ रही है, नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स। रिवर्स मुझे पता है वर्गो राशि वाले अपने पार्टनर के लिए क्या फील करेंगे 1st जून से 15 जून तक। नाइन ऑफ वॉन्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, मैजिशियन। इनके पार्टनर की फीलिंग्स बताएं, इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी इनके लिए। फाइव ऑफ कप्स, अच्छा ये नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों के लिए है, कंफ्यूज मत हो जाना लव लाइफ में, जो लोग की बातचीत नहीं हो पा रही है या ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में उनके लिए ये, ठीक है? सो बेसिकली मुझे दिखाई दे रहा है जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो वर्गो राशि, खुद आप ही के साइन के हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, धनु राशि के हो सकते हैं, और टॉरस राशि के हो सकते हैं। इनकी एनर्जी में सैटर्न भी दिख रहा है, लिब्रा भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं लियो भी हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। आपके ये हाइलाइटेड साइन है आपके रिलेशनशिप में। मैं जहाँ तक देखूँ वर्गो राशि वालों, आप लोग थोड़े से टॉक्सिक एनर्जी से गुजरते नज़र आ रहे हैं 1st जून से 15 जून तक, ठीक है? 1st जून से 15 जून तक आपकी लव लाइफ में एक तरीके का फियर ऑफ लॉस आप फील करेंगे, आप फियर ऑफ लॉस फील करेंगे, और आप ऐसी एनर्जी फील करेंगे जहाँ पे आपको सब कुछ खोता हुआ महसूस होगा। आपको लगेगा कि आपके हाथ से सब धीरे धीरे फिसल रहा है और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। आप काफ़ी समय से पेशेंस रखकर बैठे हैं, बैलेंस रहने का प्रयास कर रहे हैं, चीज़ों को बहुत ही सोच समझ कर लाइक हैंडल कर रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, हीलिंग दिख रही है, हीलिंग कर रहे हैं, और इवन एज ऑफ नाउ भी आप काफ़ी सेफ एंड सिक्योर खुद को आइसोलेट कर अपनी एक कॉर्नर क्रिएट करके, अपनी उसी लाइक एक सर्कल क्रिएट करके वहीं बैठे नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि कोई मूवमेंट नहीं दे रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, या कोई भी एक्शन या रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। आप अपने आप को लेकर काफ़ी ऐसे हैं कि एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपने मन की भावनाओं को, कहीं ना कहीं ज़्यादा कॉन्टैक्ट या मैसेजेस नहीं कर रहे हैं, बट सेफ चल रहे हैं। ऐसी एनर्जी की काफ़ी सेफ और अपने आप को अपनी लाइक बोलते हैं ना प्रोटेक्टेड एनर्जी में है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन 1st जून से 15 जून की एनर्जी में आप अचानक से बहुत एग्जॉस्टेड, एनजाइटी लेते हुए, स्ट्रेस लेते हुए, और बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्टिविटी से गुजरते नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बार बार फील करेंगे कि आपके हाथ से सब कुछ
फिसल गया, सब कुछ निकल गया और आप चाहकर भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाए, आप चाहकर भी अपने लिए कुछ लड़ नहीं पाए। आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे और एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपको लगेगा कि आपके साथ सब कुछ गलत हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, कुछ भी राइट नहीं है। बट बेहतरीन चीज़ जो होगी जून 1 से 15 के दौरान, ये जो भी आपकी लाइफ में घटित हो रहा है ये आपको बदलने के लिए मजबूर कर देगी, ये आपको पुश करेगी कि आप चेंज हो जाओ। आप अपने आप को बदलने की और अपने अंदर की ताकत को महसूस करने वाले हैं जून 1 से 15 के दौरान। आपकी लाइफ में जो भी घटित हो रहा है इसकी वजह से आप आने वाले समय में बहुत ही ताकतवर और बहुत ही खुद को खुद में सक्षम होने की एनर्जीज बिल्ड करेंगे। यानी कि जो भी हो रहा है इसलिए ताकि आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझ सकें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कर सकें। आपकी एनर्जीज में जहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स में देखूँ तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स में, आपकी फीलिंग्स में पहले देखूँगी, आपकी फीलिंग्स में ऐसा दिख रहा है कि आपको बार बार लग रहा है कि अब सब ठीक हो जाएगा, बस अब सब कुछ ठीक होने वाला है, अब सब कुछ बेहतर ही होगा, भगवान की मर्ज़ी होगी, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। आप जब उम्मीदें रख रहे हो आपकी उम्मीदें टूट जा रही हैं, आप अंदर ही अंदर से जैसे कि ख़त्म हो रहे हो, एक डेड एनर्जी है आपके अंदर, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पूरी तरह से तकलीफ़ में, पेन में, हर्टफुल एनर्जी में हो और कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को बैडली स्टॉक कर रहे हो आप, उनको उनके ऊपर नज़र रख कर बैठे हुए हो और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके बारे में एग्जॉस्टेड हो, उनको भूल नहीं पा रहे हो, पुरानी एनर्जीज में कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ गए हो, उनसे डिटैच नहीं हो पा रहे हो वाली एनर्जी है। आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से और इस टाइम फ्रेम में भी ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट मैनिफेस्टेशन क्यों काम नहीं कर रही, भगवान मेरे साथ ये गलत क्यों कर रहा है, ये सारे सवाल आपके अंदर चलते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्यों चीज़ें मेरे लिए वर्क नहीं कर रही। अब मैं एक बात आप लोगों से शेयर करूँगी वर्गो राशि वालों, आप लोगों की मैनिफेस्टेशन गलत जा रही है। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो पूरा आपका टेक्निक गलत है, जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है आपके साइंस में कि आपसे मैनिफेस्टेशन में मिस्टेक्स हो रही हैं, इसलिए मैनिफेस्टेशन आपके लिए वर्क ही नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा स्टडी करो, थोड़ा सा रिसर्च करो, मेरा ऐसा मानना है होप्स मत हारो, गिव अप मत करो, रिलेशनशिप को लेकर नहीं, एटलीस्ट अपने आप को लेकर ख़त्म मत करो। ऐसे मत एनर्जी में आ जाओ कि सब कुछ ख़त्म हो गया, नहीं, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप ठान लें तो अपने आप को बहुत मजबूत बनाकर बहुत ही तेज़ी से अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ तो मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में दिख रहा है कि वो आपको मिस बहुत करेंगे, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। इनकी लाइफ में इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या कोई व्यक्ति इनकी तरफ आकर्षित भी होगा, कोई इनमें इंटरेस्ट भी लेगा, कोई इनको लाइक अपनी तरफ से फ्लर्टिशियस एनर्जी देता भी नज़र आएगा, कोई इनके साथ फ्लर्ट भी करेगा, लेकिन आपके पार्टनर का उस व्यक्ति में इंटरेस्ट थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि ना के बराबर वाली एनर्जी है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि एनर्जीज थोड़े टाइम के लिए ही ऐसे रहने वाली हैं, आपके पार्टनर उसके बाद इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे। यानी कि यस, आपके पार्टनर से चीटिंग की एनर्जी क्रिएट हो रही है जून 1 से जून 15 के दौरान। ये व्यक्ति आपको चीट कर सकते हैं, आपको मिस तो करेंगे, कोई व्यक्ति इनको अप्रोच भी कर रहा है, कोई लड़का लड़की इनको अप्रोच भी कर रहा है, ये उस व्यक्ति में, जैसे कि मैंने कहा जून 1 से 15, तो कैसा होगा ना, जून 1 से लेकर जून 6 या 7 तक ऐसा रहेगा कि ये उस इंसान को भाव नहीं देंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उस इंसान के साथ ग्रो नहीं कर पाएंगे या उनका इंटरेस्ट ज़ीरो रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक इंसान खुद को कितना कंट्रोल करेगा, तो वो कहीं ना कहीं किसी की तरफ आकर्षित होने की एनर्जी दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज़ें छुपाएंगे, अगर कॉन्टैक्ट में है तो नहीं बताएंगे, किसी और से बात करते नज़र आएंगे, किसी और के साथ अट्रैक्टेड होते नज़र आएंगे, किसी को इवन फैंटेसीज़ में भी लेते नज़र आएंगे। बेसिकली अगर मैं देख पा रही हूँ तो आपके पार्टनर आपको लेकर चीटिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, किसी और में इनका अट्रैक्शन बढ़ सकता है और उसमें दोष इनका नहीं होगा, कोई व्यक्ति इनको बार बार प्रस्ताव दे रहा है, कोई इनको बार बार फ्लर्ट कर रहा है, जिसके वजह से इनका इंटरेस्ट वहाँ आ रहा है और आप उस वाइब को फील कर पा रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि जून 1 से 15 के दौरान आपके इंट्यूशन इतने स्ट्रांग हो रहे हैं कि आप उस चीज़ को फील कर पा रहे हो, जिसके वजह से ही आपको अपने हाथ से सब कुछ फिसलता हुआ फील हो रहा है और आपको डर लग रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आपके पार्टनर आपको धोखा देंगे और कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ही आप मेंटली परेशान हो रहे हैं। आपके अंदर वो एनर्जी आ रही है जहाँ पर आप नॉर्मल डिसीजन, और अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है तो आपको ऐसा फील होगा कि पार्टनर जो है दूसरी तरफ काफ़ी रोमांटिक हो रहे हैं, वहाँ वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, रिलेशनशिप में घुस रहे हैं और आपको धीरे धीरे साइड या कॉर्नर कर रहे हैं। और ये सत्य है, आपके पार्टनर
पहले तो न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन सडनली फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उनका इंटरेस्ट ऐसे आ रहा है कि यार ठीक है मिल रहा है तो वाई नॉट, इन्जॉय करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनके अंदर एक डुअल पर्सनैलिटी क्रिएट होगी जहाँ पर ये आपको दिखाएंगे नहीं कि ये किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हैं, किसी के साथ अफेयर कर रहे हैं या आपको चीट कर रहे हैं। इनका बिहेवियर ऐसा रहेगा कि एकदम दूध के धुले या सीधे हैं, बट अंदर ही अंदर कुछ तो गड़बड़ है, दया वाली एनर्जी है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बस आपको बताना प्रेफर नहीं करेंगे। इस वक्त इनके अंदर मैनिपुलेटिव एनर्जी क्रिएट होती नज़र आ रही है, थर्ड पार्टी को लेकर प्रायोरिटीज़ बनती नज़र आ रही हैं। आपको मिस तो करेंगे, लेकिन जो मैंने कहा जून 1st से 6th या 7th तक की आपको मिस करेंगे, फिर सडनली इनका एक सडनली जंप आउट देखा जाएगा और सडनली कहीं और इंटरेस्ट लेते नज़र आएंगे। तो ये एनर्जी हो रही है जिसके वजह से आप थोड़े से सैड हैं। अगर मैं गाइडेंस के नाम पर बताऊं कि आपको स्पिरिट गाइडेंस क्या दे रही है, तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपको खुलकर एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है अपने इमोशंस को। आपके पार्टनर और आपके दोनों के बीच में प्रेम है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि देखो यहाँ पर दो डिफ़िकल्टी बन रही है, या तो आपके पार्टनर खुलकर आपसे बात नहीं कर रहे जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, या आप जो है खुलकर कम्युनिकेशन नहीं दे रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके खुलकर बात करने से स्थिति बेहतर हो सकती है तो ट्राई करें, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपने ऑलरेडी ट्राई कर लिया वो बात नहीं कर रहे, तो उस चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पर सरेंडर की एनर्जी नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या कोई भी टेक्निक कर रहे हो, भले आप कोई और प्रकार की हीलिंग कर रहे हो, उसका प्रॉपर नॉलेज लो। आपकी कुछ मिस्टेक्स होने के वजह से ही चीज़ें बहुत नेगेटिव आउटकम दे रही हैं, लेकिन ये चीज़ जैसे कि मैंने बोली जून 1st से जून 15 के दौरान आपके साथ जो भी घटनाएं घटित होंगी वो आपको एक बहुत ही न्यू वर्जन का इंसान बनाने पे मजबूर कर देगा। यानी कि इस बार जब आप हील होंगे तो आप इतने डिफरेंट पर्सन बन जाएंगे जो आप आज तक कभी इस तरीके के व्यक्ति नहीं रहे। बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही कम्प्लीटली हील्ड, खुद में सक्षम, दूसरों पर ना निर्भर रहने वाली पर्सनैलिटी बनने वाले हैं। ये जो भी हो रहा है आपकी मतलब आपके बेहतर के लिए हो रहा है। विश फुलफिलमेंट इन फ्यूचर हो सकती है, बट जून 1st से 15 का टाइम फ्रेम मुझे क्लियरली दिख रहा है कि सिचुएशन थोड़ी सी आपके लिए आउट ऑफ कंट्रोल है। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, या तो आप नए प्रस्ताव की ओर देखें या लेट गो करें, या आपको अगर लग रहा है कि आप दोनों बातचीत करते हैं तो खुलकर अपनी इनसिक्योरिटीज़ या अपने डर को अपने पार्टनर से शेयर करें। ठीक है, तो ये थी वर्गो राशि वालों आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके अलावा अन्य जानकारी वीडियो के ठीक नीचे देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।